शहर के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भाई गिरदारी जी, मेला संरक्षक महेश जी कटारिया, एडिशन साहब, डिप्टी साहब, तहसीलदार जी, एसएसओ साहब एवं समस्त संयोजक मंडल एवं समस्त पार्षद एवं सामने बैठी मातृशक्ति, मैं सब लोगों से आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मेले में शुरू से ही असमंजस की स्थिति थी, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने पहल करके इस मेले की परमिशन दिलाई, वरना प्रशासन आज के हालातों को देखते इस मेले को भरवाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन विधायक महोदय के प्रयास रंग लाए, हमारे कटारिया जी के प्रयास रंग लाए और आज ये मेला भव्य रूप से हमारे फिर नगर परिषद की तरफ से आयोजन की तरफ से पूरे प्रशासन मेला भरवा रहा है। लेकिन मैं विधायक महोदय से पूरे मंच के माध्यम से पूरे गंगापुर की शहर के जनता के माध्यम से एक मांग करना चाहता हूं कि प्रशासन ने जो झूले और चक्री इन पे जो थोड़ा सा बेल लगाया है संशोधित आदेश करके, मेला अध्यक्ष के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं साहब कि कम से कम आज से पहले ऐसी परिपाटी नहीं है, ना कोई इससे कोई दुर्घटना होती है, ना कोई सौहार्द बिगड़ता है, ये मेला पूरे गंगापुर का मेला है। मैं आपसे मांग करता हूं, मंच के माध्यम से मांग करता हूं, मेला अध्यक्ष के नाते मांग करता हूं कि कम से कम संशोधित आदेश करके प्रशासन से बैठ के और इस माध्यम से घोषणा करें, मैं कम से कम ये गरीब जो बेचारे 3 साल से कोरोना से त्रस्त है, हमारे बिल्कुल मजदूर वर्ग जो इस मेले से पैर पालन करता है, उनको रोजगार का अवसर मिले, उनकी गृहस्थी चले। धन्यवाद। मेला अध्यक्ष के संबोधित करने के बाद में आप देख, धन्यवाद जी, काफी लोग यहाँ पर, आपने बहुत मार्मिक का अपनी बात को रखा और मैं उनकी बात का पुनर्वर समर्थन करते हुए आप जो आज के मुख्य अतिथि से निवेदन करना चाहूंगा मीडियम साहब कि मेले में अभी झूला नहीं है, रहते हुए मैं मेला करता हूँ। मेला एक ऐसी परंपरा है जिसका आनंद होना आवश्यक है, समय की बाध्यता है। मैं बहुत निवेदन करता हूँ आपसे, हमें पता है आप काफी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और धर्म के प्रति आपके मन बहुत आस्था है और ये मेला सभी सारे सभी धर्मों के लोग सभी समुदाय के लोग इस मेले में परिसर में भाग लेते हैं, व्यापारी करने में सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, काम को निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में इस मेले के संरक्षक हम सबके लाड में हरगोविंद जी कटारिया को निवेदन पूर्वक आए और अपना आशीर्वचन कहे श्री हरगोविंद जी कटारिया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मेले का उद्घाटन करने आए हमारे लोकप्रिय विधायक रामदेव जी मीणा साहब, नगर परिषद के सभापति अग्रवाल साहब, वाइस चेयरमैन गुरु भाई, हमारे प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला स्तर जो बैठे हुए हैं, हमारे कांग्रेस के और भाजपा के दोनों मंडल अध्यक्ष बैठे हुए, सारे पार्षदगण, महिला पार्षदगण, हमारे प्रजाजन, तो सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ। विशेषकर राम के जी का आभार गंगापुर में की ओर से करता हूँ कि बड़ा काम किया है। साथियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेला कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये मेला सर्व समाज का है, जनता का मनोरंजन के लिए है और ये मेला शांति सद्भाव का प्रतीक है, मिलनसारी का प्रतीक है, इसमें कोई राजनीति नहीं चलती। यदि इस मेले में राजनीति से अगर कोई विधायक बढ़ता, इस मेले की राजनीति से यदि कोई विधायक बढ़ता तो अरविंद कटारिया हमेशा विषय के लिए मैं 4 मेले भरवाता हूं। इस मेले में शक्ति और पवित्र आत्मा से काम करिए, छाया पानी की व्यवस्था अच्छी कीजिए,
आप जितना काम करोगे सेवा में अच्छा लाभ मिलेगा, जो देने वाला है भगवान कल्याण। साथियों, पूरे इंदिरापुर में मेला 2 साल से नहीं भर रहा है। प्रशासन के अधिकारियों को अभी तक ये पता नहीं है मेला है क्या। और ये भी बात सही है कि पूरे राजस्थान में ही देश में सांप्रदायिक दंगों की एक तूफान में मच रहा है, तो प्रशासन अधिकारी अगर कोई तकलीफ बढ़ते तो राज्य सरकार सबसे पहले अधिकारी को रवाना करती है, उसको सजा देती है। प्रशासन झड़ाया हुआ है। आज ये मेला 2 साल से नहीं चल रहा। जब देखा कि मेले को परमिशन नहीं मिलने वाली है और मेले को परमिशन जब नहीं मिलने वाली थी तो पूरे गंगापुर में इस बात का दुख था कि हमारा एक ही केंद्र है जो मनोरंजन का बच्चों के लिए सारे गंगापुर की शान है, गंगापुर की आन बान जान है, मेला नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में लोग दुखी थे। रामकेत जी मेला साहब, मैं 4 बजे इस मंदिर में दर्शन करने आता हूं। 20 महिलाओं ने कहा था कि ये कल्याण जी भगवान के आश्रम में कल मेला नहीं भरता, हमारे बच्चे बच्ची का नहीं दे रहे। पुजारी जी आरती करके वहीं से बोल रहे हैं कि इस मेले को रामकेत मेला ही बना सकता और किसी की दम नहीं। मैं वही खड़ा था, उसका मेरा दिल हिल गया। मैंने कि आज ये निर्णय लेता हूं कि मैं उनके पास पहुंचूंगा। हमारे जो है सीआईडी के अधिकारी आ रहे थे, मैं कल्याण जी के वहीं से बैठ के चले गया। बाजार में घूम फिर के रामकेत जी से मिला और मिलने गया तो 2 घंटे इंतजार किया। वो बहुत भीड़ थी। लास्ट में जब मैं निकला तो उन्होंने कहा यार 2 घंटे मिले थे, वो आज बात का बात है। मेरे आज नहीं, आज निकल गया। मैं मोहब्बत देखता है वापिस आया। मैं दूसरे दिन फिर गया। मेरी वार्ता उड़ीसा मेरा है, मेरे की पूरी स्थिति इनको समझाई तो इन्होंने कहा यार मेरा देखा हुआ, मैं भी यही का रहने वाला हूँ। एक जाति का मेला नहीं है गंगापुर की उम्मीद पे पानी नहीं फिरेगा। मेला भरवाने के लिए और कोई नई साक्षी दुआ आप लोगों को जनता को दीजिए साहब कि आज ही प्रशासन की बैठक लेता हूँ। अगर माहौल खराब है, जनता के बीच में यदि कोई परेशानी है, कोई दंगा भी हो सकता है, तो मैं जिम्मेदारी एडीएम साहब को देता हूं, उनको मेरे राज्य सुना देते हैं। मैंने इसमें समर्थन किया था और हमने प्रस्ताव में पास कर दिया कि हमारे कोई भी संकट आएगा तो प्रशासन भी सक्रिय रहेगा। आपका निर्णय माने, गलती मेरी हुई, इस गलती का दोषी मैं हूं। चेयरमैन नहीं है और मैं कोई पार सके, मैं चेयरमैन को यदि पहले पहुंच जाता कि हमारा निर्णय ये हो चुका है कि अगर मैं पहले कहता तो ये नौबत नहीं आती। मैं इस मंच से हमारे पार्षदों में अधिकार का मामला रह गया कि हमको अधिकार है, हम बनाएंगे। कोई बात नहीं, कल्याण जी की सेवा करने वाले को बनाए। मैं इस मंच पे आंदोलन के दारिया मैं हमारे एडीएम साहब के चरण छूते हुए क्षमा मांगता हूं कि आपका अपमान नहीं अब सम्मान बनेगा। सारे साथियों, प्रशासन को बता देना चाहता हूं, रामकेत जी मेला का जिस उस दिन झंडा झंडा गए थे, बैंड बाजे से झंडा के गए, एडीएम को बैंड बाजे की एक परिपाटी डाली है कि कपड़े सिलाए जाते हैं। महावीर जी ने जो रत्नाकार भी होता है वो काम भी हुआ। हमारे एमएलए ध्वनि लेके आए, खुद हाथ में किसी को नहीं दिया, हमने भी मांगा हमको दो, और आगे संकल्प लिया कि मैं इस मेले को भरा के रहूंगा, मेरी मदद करना परमात्मा। उसके बाद में पुजारी के तहत किए वादा करके गए मेला भरेगा, लेकिन एक समस्या आई। तो जब हमारा ये निकला सुकृति तो उनके मुंह में जीरा, सुकृति भी मिल गई और मेला भी खत्म कर दिया। यही सुकृति है, उसमें जो अनुमति मिली है उसमें मेला खत्म करने की मोहर भी एसपीओ सामने बहुत बढ़िया होती है, जिसमें कोई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं। यदि उस मेले में झूले चकरी नहीं लगेंगे तो एक भी दुकानदार आने वाला नहीं है, ये उद्घाटन रह जाएगा। माननीय राष्ट्र हमारे राज्य सरकार के नुमिंदा मुख्यमंत्री के सलाहकार
उनके हाथ से उद्घाटन हुआ है, वो इस मेले के प्रति उनकी भावना है। आज हमने उनको आमंत्रित किया है, परंपरा है, विदायगी करेगा। मेले की कुछ परंपराएं थी जिसको कोई कह नहीं था। उन्होंने कहा मेरे अंदर राजनीति होगी, मेरे हिसाब नहीं होगी। प्रयाग मांग किया एमएलए साहब के शब्द है, तुम पे अलग क्या सोच रहे हो? एमएलए साहब ने मेरे से कहा कि मान सिंह को वही तरजी देना जो विधायक राम के को होगी। कम भावना आप देख लीजिए साथियों, ये मेले को बढ़ाने में नगर पार्षद पार्षद हमारे साथ रहेंगे, इनकी जिम्मेदारी है। ये कोई छोटे मोटे नहीं है, 2500 वोटरों के मारे गए, कुछ 3000 का है। परंपरा पुरानी है मेले की, नया नहीं बन रहा है। आप देखिएगा कुछ लोग क्या करते हैं, ये सारा माल पूजा कमा रहे इस मेले में। साथियों 5 बीघा जमीन है हमारी, मेले के लिए हमने उसमें निर्माण नहीं कर रहे हैं। 5 बीघा जमीन में 6 लाख में कॉन्ट्रैक्ट है झूला चकरियों का, पूरे आइटम उसमें बिजली हमारी, पानी हमारा, भंडारे पार्टियों को हमारे, सारा खर्चा हम उठाते बराबर हो जाता है। उसके पास कोई बीमारी नहीं है, एक पैसा भी गुजर समाज इसमें, कोई एक रुपया भी गुजर समाज नगर पालिका का नहीं लगने देता है। लेकिन जब वो लाइटें लगती है तो कुछ लोगों को हीरे में झटका रखता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने पूजा समाज साथ है, प्रजा संघ साथ है, विधायक आपके साथ है, बिना विधायक मेला नहीं लग सकता। प्रशासन की जिम्मेदारी, राज्य सरकार और बैठने वाले व्यक्ति की ताकत से मेला बनता है। आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस मेले को 4 चांद लगाए। राम के जी का उद्घाटन में आज होने से जो दुकानदार बाहर घूम रहे हैं 2.5 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, कोई लाल चोट में पड़ा है, ये वादे से कहता हूँ राम के जी आप सिफारिश को आपकी वो सावधानी नहीं कर रही सारे 5 किलोमीटर। और मैं भी ये मन से निवेदन करता हूँ कि आप आए या के मालिक हैं, आपके धार्मिक प्रवृत्ति के इसका जो है कल्याण जी के भी मंदिर में आप भोजन देने जी के सबके पुजारी है, आपकी भावना है, आप करते हैं, तो ये मेला धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी दुकानें रहती है, यहाँ का मुसलमान इतनी भारी संख्या में आता है, यहाँ हिंदू भी आते हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ आज समय बहुत खराब है, जैसे मैं पहले चैलेंज देता वो नहीं दूंगा, क्यों कि चैलेंज देने के बाद मेरा गुजर सारा पूरा छोटा हो जाएगा जीवन में। लेकिन मैं धागे से कह रहा हूँ, राम के जी प्रशासन से बात नहीं कर रहा, आप उस मेले के चक्री झूले प्लस रात को 1 घंटे का मेला और बना दो। अगर कोई भी गुंडा इस मेले में प्रवेश कर जाए तो स्वयं की खींची DYSP और SDM इनको चुनौती देता हूँ कि संतरे पे चढ़ा देना, फांसी के पे एक क्रिमिनल घुसने दूंगा और शांति के लिए मेला बढ़ाऊंगा। मेरे को टेंशन हो गई, मैंने खाना नहीं किया, खाया है, अरे चाहूँ मेरा एक गुजारा है। और ये आदर्श होना दिया मैंने को काम के लिए के पदारने के बाद मेरा नहीं भरे हर गोविंद कटारिया के होने में पक नहीं देगा। आप अखबारों से पूछ लो मेरा रिजाइन पड़ा हुआ है, अगर यदि मेला नहीं भरेगा झूले चक्री नहीं आएंगे तो मेरे से ही परमानेंट पत्ताकार नहीं आएंगे इस मेले में। 5 बीघा भूमि में जो हम आरोप लग रहे थे हर गोविंद कटारिया करोड़पति बन गया, अब हम 2 मैरिज होम बनाएंगे, 100 दुकान बनाएंगे, हम पैदा करेंगे, हम कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। इस मेले में 100 हमारे राष्ट्रीय पूजा टाइगर फोर्स राज्य मिलती है, कोई महिला का आकार आए चीना बेकार है हमारा। राम के जी हिम्मत करके हमको एलारिया हमको जो है शुक्त की दीजिए, आपकी भावना शुक्त है और ये मेले का श्रेय राम के जी को है और किसी को नहीं है, मेले का मुखिया होता है। आज के बाद जो अच्छे कार्यक्रम होंगे, जो अच्छे आइटम होंगे, प्रोग्राम होंगे, कभी सम्मेलन वगैरह जिनमें ग्रामीणों के प्रोग्राम अगर वो शानदार होंगे तो उसका श्रेय हमारे मुखिया जो नगर पालिका के हैं, 22 प्रतिशत मुखिया का है, 500 का है, इनको श्रेय जाएगा, मेरे व्यवस्था कर देगा। इसलिए आपसे निवेदन है,
हमने भारी आठ करोड़ रुपए मेरे समाज में, यहाँ की स्थिति बता दू, यहाँ की स्थिति ये धीर मेला कैसे बना। पहले यहाँ बच्चे थे, बूढ़ों का गाँव है, ये शहर बाद में हुआ है, इसका नाम धरगढ़ था, फिर बाहर का वास हुआ, कुशाली राम जी आए, कुशाली भी हुआ, स्वागत समारोह का चार आदमी का और चार आदमी में मिलाया आता था, इस मेले में मिलाया, तीन वर्ष का मिलाया, पूरे समाज उसका स्वागत करता था। फिर जगह की कमी पड़ी तो गुजरों ने बंटवारा किया कि मेला जिसको खजानी की जमीन है वो मेला समाज के लिए, दोनों छठे मालियों को एसपीओ के पिछला खेत हमारा आपस में सामंजस्य, बाद में गुजरों ने मेला बिना ने बंद कर दिया जो पहले थे, तो गुजरों ने चला बनाया कि बिना मेला में मेरा भाई और माली नहीं आई है, आने वाले कौन है। गुजर तो कान में आगे देते उनकी भाषा को गुजर ही समझता है, और ये गाते हैं इनको बनाया जब राम प्रसाद माली की जय है, उसने मेलाओं को जोड़ा, उसने मालियों को जोड़ा, ये राम प्रसाद की जय है। सारे चेहरे जितने भी आए उनने अलग अलग प्रोग्राम दिए, जनता मेला में चार चांद लगाए, एमएलए बराबर आते हैं, इसलिए मैं आज ज्यादा बोल गया, और बुलाने के लिए हमारा प्रशासन को समझाने की बात है, आपकी नौकरी खुल नहीं जा रही, अब आप रंजी सकते हो गंगा पर से, तो बात दूसरी है, नहीं वरना गिरफ्तारी के लिए हमसे हल्फनामा दे देते, हम लिखित में दे देते, अगर सांप्रदाय दंगा हो तो जेल में तो जिंदा रह के वापस आ जाएंगे, फांसी के ऑर्डर दे देना। राम के जी हिम्मत करिए, मैं आपका साहेब हूँ, मैं पार्टी बाजी के हिसाब से मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैंने बहुत बड़े नेता को छोड़ दिया होगा लेकिन आपको नहीं छोड़ा, आप मेरी बात को उस दिन कर दीजिए कि आप चिंता मत करिए मेला भरेगा, तो बीच में ब्रेक लग गया, मेला नहीं भर रहा, आप देख लो एक भी दुकान नहीं आई है, जब तक झूला चक्री नहीं लगेंगे तो उद्घाटन करना बेकार है। नगर पालिका 25 लाख रुपए दिए हैं नगर पालिका ने मेले में, 25 लाख में से आज का खर्चा हुआ 10,000, बाकी के पैसे वापस जमा कर दो, कोई फायदा नहीं है मेले भरने से, इसलिए आपसे निवेदन है कि राम देखो मैंने इस मेले में एक बात जरूर कहूँगा, ये चेयरमैन ईमानदार में पड़ोस में रहता, अब इसकी बात पकड़ में नहीं आई, नया आदमी अनुभव नहीं है इसको, ये चार्ज बाद में मेला भरेगा ना, हर चेयरमैन के दिमाग में प्रथम बोर्ड को ये पता नहीं मेला कैसे करता। मैं एक बात कह रहा हूँ कि राम प्रसाद जी इस मेले के चेयरमैन थे, मैं मेला अध्यक्ष था, पार्षद भी था, हमने पूरा स्टाफ को लगे पर कल्याण जी की देवड़ी का हाथ लगाया, कोई इसमें एक पैसा नहीं खाएगा, चेयरमैन जी आप भी हाथ लगाइए, मैंने भी लगाया, इस मेले में अगर कोई पैसा खाएगा तो उसका सर्वनाश जाएगा, ये विश्वास दीजिए चेयरमैन साहब कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आप तो मोदी के नुमाइंदे हो, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब आप दीजिए बीमारी खत्म, आपके प्रार्थनाएं मैं ज्यादा बोल गया, अब तो मेरे में आपसे निवेदन है कि वो झूले चक्री की परमिशन हमको दिला तभी मेला भरेगा, और रामकेश जी यदि आप ही नहीं दिला सकते तो सोच लो फिर लो, दो तो मेरी जम बढ़ेंगे और 100 दुकान बढ़ेगी, और मेले की खत्म करने की तुम्हारी दम नहीं है, गुजर समाज एक दिन में खत्म कर देगा इस मेले को, कोई रोक नहीं पाएगा, हमारी जमीन है, हम बदनाम भी हो रहे हैं, सातों जात के लिए छोड़ रखी है, हमारे कोई कमाई नहीं है, इसलिए आज बहुत बड़ी आते तो आप ही उद्घाटन करने, लेकिन जो जनता में आवाज है कि रामकेश जी ने मेला भराया तो रामकेश जी आज परमिशन देंगे, ये जब चले तो अखबार में पढ़ा जो आ रहे हैं तो मेला भर गया, हम जनता कह रही है जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हरगोविंद जी, बहुत ही भावनापूर्ण भावुक होकर अपना संबोधन किया, पर मैं यहाँ सभी पत्रकार बंधु भी हैं, गंगापुर के आमजन हैं, राजनीतिक लोग हैं और प्रशासनिक लोग भी हैं,
एक बात बहुत समझ से परे की बात है, गंगापुर के इस मेले में एक ऐसा आयोजन जिसमें आज तक शुरू कब से हुआ इतिहास मुझे मालूम नहीं है, आज तक किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विद्वेष करना चाहिए। मैंने अब से पहले यह देखा है कि कल्याण जी महाराज की रथ यात्रा यहां से चलकर कैलाश स्थापित होकर जामा मस्जिद पर स्वागत करवाते हुए और सीताराम जी के मंदिर में होकर और मुख्य बाजार से सीधी यहां आती, इस बात पर आप निश्चित मान के चलिए गंगापुर का माहौल इस प्रकार का नहीं है। यह प्रायोजित कार्यक्रम बनाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है, सात्विक है, सब यहाँ बहुत अच्छी तरह रहते हैं। और अभी हरगोविंद जी भाई साहब ने बहुत शानदार बात कही, मैं बहुत प्रभावित हुआ, उनको हम पर कितना भरोसा है, और जब भरोसा होता है तो बिल्कुल निश्चित रूप कामयाबी मिलती है। न खाऊंगा न खाऊ दूंगा, ऐसी मनोभावनाओं को लेकर चल रहे हमारे नेता और अध्यक्ष जी और हमारे विधायक महोदय। विधायक महोदय के बारे में जितनी बात हरगोविंद जी ने कही, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इतने अनुनय विनय के बाद इस करुणामय अपील को सुनकर हृदय निश्चित रूप से द्रवित हुआ होगा। तो माननीय विधायक महोदय से पहले मैं एक बार इस कार्यक्रम के जो हमारे विशिष्ट अतिथि है श्रीमान नरोत्तम जी साहब जो एडीएम साहब है, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच पधारे और यहाँ अपना उद्बोधन दे साहब, और बजाजा ट्रस्ट के अध्यक्ष यहाँ बैठे मंच पर, और हरगोविंद और हमारे मेले के अध्यक्ष ओम जी कटारिया और गोविंद जी पास उनका स्वागत करें, स्वागत करो। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम सम्मान्य विधायक महोदय और माननीय सलाहकार मुख्यमंत्री महोदय, एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहिबान, एसडीओ साहब, तहसीलदार जी, चेयरमैन साहब नगर परिषद, हरगोविंद जी कटारिया जी, आयुक्त नगर परिषद और समस्त पार्षदगण, समस्त हेलो 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 चेंज ओवर ले रहा हूँ सर, हेलो हेलो। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पार्षदगण, गंगापुर सिटी के सम्मानित नागरिकगण, कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति, मीडिया के बंधु, आज बड़े सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि हर साल की भांति जो सनातन मेला लगता है, हर साल की भांति आज मेले का आयोजन किया जा रहा है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस मेले में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। श्री कल्याण जी महाराज की शोभा यात्रा, नगर भ्रमण यात्रा अभी प्रारंभ होगी और हम सबके पुण्य कर्मों का ही ये प्रताप है कि हम सब उस शोभा यात्रा में शरीक हो पाएंगे। मुझे और भी अत्यंत गौरव की बात है मेरे लिए कि मुझे आज भगवान श्री कल्याण जी महाराज के रथ का सारथी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं माननीय विधायक महोदय को मेरे दिल से और हृदय से मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। दूसरे अन्य लोग भी जिनकी वजह से मेरे को भगवान का सारथी बनने का जो सौभाग्य मिल रहा है,
खुल के मिल रहा है, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। ये क्षण ऐतिहासिक क्षण है जो हमेशा मुझे याद रहेगा, सबको याद रहेगा, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर, वो परमात्मा, वो श्री कल्याण जी महाराज जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, जिसके हम संतान हैं, उनकी शोभा यात्रा में हमको शामिल होने का मौका मिल रहा है। और मैं तो और भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ऐसे परमात्मा श्री कल्याण जी महाराज के रथ का सारथी बनने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। ये पूरी जिंदगी भर मुझे याद रहेगा, स्मरण रहेगा। और ये जो ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल है, मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। इसके लिए मैं एमएलए साहब के साथ साथ सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं, और जो उन्होंने मुझे सम्मान और इज्जत बख्शी है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूं। और आए हम सब प्रेम से, खुशी से, प्रसन्नता से भगवान श्री कल्याण जी महाराज की जो शोभा यात्रा है, नगर भर में है, उसके हम साक्षी बने और अपने आप का पुण्य अर्जित करें। अधिक कुछ नहीं कहते हैं, काफी समय हो गया है। मैं सबको हमें धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मैं बोलूंगा कल्याण जी महाराज दीजिए, कल्याण जी महाराज की धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एडियम साहब। और आप निश्चित रूप से मान के चलिए अगले बार मेले के सारथी भी आप बनेंगे। और मैं अब बिना समय गवाए हमारी रघुवंश जी कटारिया सहित सारी पूरी टीम की उम्मीद पर को संपूर्ण करने वाले हमारे विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की, हमारे सभी लोगों की भावनाओं को समझते हुए अपने उद्बंधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। विधायक रामकेश जी मीणा, गंगापुर विधानसभा क्षेत्र, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। कार्यक्रम के माननीय विधायक रामकेश जी संबोधित करते हुए, अध्यक्ष और मेले के अध्यक्ष भाई ओमी कटारिया जी, इस कार्यक्रम के संरक्षक हरगोविंद कटारिया जी, नगर परिषद के सभापति शिवरतन अग्रवाल जी, रथ के सारथी और प्रशासन के सबसे वरिष्ठ अधिकारी एडीएम साहब, नवरत्न कोहली साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब पीसी साहब, डीवाईएसपी साहब मुनेश जी, हमारे इंचार्ज साहब, तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, हरिप्रसाद जी बोहरा साहब, गिरधारी जी बंसल साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जी, गिरधारी सोनी जी, नगर परिषद के आयुक्त साहब, उपसभापति वीरेंद्र जी वीरेंद्र जी शर्मा साहब, सभी उपस्थित
सम्माननीय पार्षदगण, मंचासीन और अतिथिगण, इस कार्यक्रम में शहर के सभी गणमान्य साथियों, माता और बहनों, हर वर्ष की भांति इस बार भी कल्याण जी का मेला बहुत धूमधाम से भर रहा है। इसमें कुछ अड़चन जरूर आई थी और वो अड़चन भी केवल प्रशासन की जो आशंका है, प्रशासन को जो इनपुट मिले वो इनपुट के आधार पर उन लोगों ने अपनी आशंकाएं जाहिर की और असमंजस की स्थिति बनी। इसमें हम लोगों की भी बहुत कमी है, नगर परिषद के हमारे कमिश्नर साहब, नगर परिषद के सभापति जी और पार्षदगण, जिन्होंने इस मेले को आखिरी समय में भरवाने की कोशिश तेज की, वो काम उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अगर समय पे वो कार्रवाई करते, समय पे पत्र व्यवहार करते तो ये असमंजस की स्थिति नहीं बनती। वो कुछ भूल की वजह से ये कारण पैदा हुए। आप लोग जरा थोड़ा इधर हो जाओ तो मैं बात कर लूँ, ठीक ढंग से ठीक साइड में हो जाओ, आप इधर या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ यार, इधर से नहीं दिख रहा है, इधर हो जाओ ना एक साइड में आप। हाँ, तो ये सारी स्थिति आप लोगों के विचार में है। तो जैसे ही मुझे इस बात का पता लगा, मुझे तो किसी ने कोई संपर्क किया नहीं, बहुत बाद में जाकर के मुझे पता लगा, और ये पता लगा कि साहब इस बार भी कल्याण जी का मेला नहीं भरने की स्थिति हो रही है, तो मैंने एसडीएम साहब से पूछा कि हाँ साहब आया तो है प्रस्ताव, लेकिन हमारे पास ऐसे इनपुट हैं कि मेला अगर नहीं भरे तो ही ठीक है। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने कई चीज मेरे को बताई। दूसरा, जो हमारे आयुक्त साहब हैं उनसे मैंने बात की और उनसे पूछा भाई क्यों आपने इतनी देरी से ये लेटर लिखा कलेक्टर साहब को, अगर आपको प्रशासन की अनुमति लेनी थी जो जरूरी होता है तो आप समय पर लेटर लिखते। प्रशासन से अनुमति लेने में सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है, वो प्रक्रियाएं पूरी करने में समय लगता है। अब ऐन समय पे आपने कलेक्टर साहब को लेटर लिखा, कलेक्टर ने एज इट इज वो लेटर हमारे एसडीएम साहब को भेज दिया, तो ये प्रक्रिया की वजह से ये असमंजस पैदा हुआ। और मुझे खुशी है इस बात की कि कल्याण जी महाराज की असीम कृपा से वो असमंजस तुरंत घंटे दो घंटे में ही हम लोगों ने उसको समाप्त कर दिया। मैंने प्रशासन के अधिकारियों से भी वहाँ मीटिंग लेकर के और उनको आश्वस्त किया कि इस तरह का माहौल गंगापुर में नहीं है, इस मेले के प्रति सब लोगों की आस्था है, इसमें सब 36 कौम के लोग इसमें शरीक होते हैं, मेले में शामिल होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सोशल एक्टिविटी होती है, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, और हमारे गंगापुर के लोगों के लिए
बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा ये सेंटर होता है। 15-20 दिन हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी इस मेले से पैदा होती है। अब 2 साल से कोरोना की वजह से टूटे हुए हैं वो परिवार, अगर इस बार भी आपने इस मेले को रोक दिया इस बार भी वो लोग वंचित रह जाएंगे, वो किसी भी रूप में जायज नहीं है। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने को, जिन्होंने मेरी बात को सुना, गंभीरता से लिया, ऊपर कलेक्टर साहब को और SP साहब को, उनको सबको संतुष्ट किया इस बात के लिए, हमारी गंगापुर शहर के लोगों की भावनाओं को वहाँ तक पहुँचा करके, और तत्काल उन्होंने मेले की अनुमति प्रदान कर दी। अब इस मेले में जो बातें अभी उठ रही है, ये बात भी बहुत ही जायज है। हरगोविंद कटारिया जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोगों, पूरे गंगापुर के बच्चे बच्चे को पता है, इस मेले में जितना सहयोग और जितना अपना योगदान हरगोविंद कटारिया जी देते हैं, पूरा गुजर समाज देता है, वो किसी से कोई अनभिज्ञ नहीं है। गंगापुर का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि इस मेले को भराने में, इस मेले को सही तरीके से इसमें व्यवस्था बनाए रखने में हमारे गुजर समाज के जितने भी भाई हैं यहाँ, वो सब लोग तन मन लगा कर, पूरी ताकत लगा करके, पूरा टाइम डिवोट करके और लगे रहते हैं और मेले की व्यवस्था को बना करके रखते हैं। हरगोविंद जी कटारिया तो पूरे 15 दिन मेला लगे, 20 दिन लगे, 24 घंटे मेले में लगे रहते हैं। इस बार भी उन्होंने जब मेरे को ये बात बताई और मेला नहीं भरने की बात की, तो मैंने उनकी भावना को समझा, उस पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, तो वो समाधान तो हो गया। लेकिन अब हरगोविंद जी की एक जो समस्या है, वो समस्या से भी मैं सहमत हूँ, वो हरगोविंद जी की खुद की समस्या नहीं है, ये नगर परिषद के लोगों की, जो पार्षद है उनकी समस्या नहीं है, वो गंगापुर के आम आदमी की समस्या है। अगर झूले चक्री वाले अगर इसमें नहीं आएंगे मेले में, और वो मनोरंजन का काम जिसकी वजह से मेले में लोग आकर के और या अपनी दुकानें लगाते हैं, अगर वो काम अगर नहीं होगा तो मेले की रौनक फीकी हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि कल्याण जी के मेले की रौनक किसी भी रूप में फीकी हो। कल्याण जी महाराज की असीम कृपा से गंगापुर में चारों तरफ खुशहाली आई हुई है, विकास के बहुत लंबे चौड़े काम हो रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो सेंक्शन हुई है, अभी महिला कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, ये ऐसे गंगापुर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले काम है। ये सरकार का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला हुआ, उनकी कृपा है गंगापुर में। जब जब भी उनको मौका लगा तो गंगापुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जब मैं कोई बात उनके सामने लेकर के गया तो कभी खाली हाथ नहीं लौट आया। आप सोच सकते हो 70 साल में महिलाओं का एक कॉलेज, लड़कियों का एक कॉलेज नहीं था गंगापुर में। मैं तो हर बार कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अग्रवाल समाज को कि जिन्होंने अपना समाज का पैसा इकट्ठा करके और गंगापुर के ऊपर ये उपकार किया कि उन्होंने एक कन्या महाविद्यालय की स्थापना कर दी, जो हमारी बहन बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ पढ़ करके अभी कोई इक्की दुक्की आपको नजर आती है सरकारी नौकरियों में। 70 साल में कितने MLA, कितने सरकारें रही,
लेकिन एक कन्या महाविद्यालय गंगापुर में स्थापित नहीं हो पाया। अगर ये कन्या महाविद्यालय आज से 10-20 साल पहले अगर यहाँ पर गंगापुर में होता तो हजारों की तादाद में हमारी बेटियां, हमारी बहन बेटियां आपको हजारों की तादाद में सरकारी नौकरियों में दिखाई देती है। और आप जैसे ही मैंने ये मुद्दा उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को इसलिए बार बार धन्यवाद देता हूं कि एक एक नहीं, एक ही बार में, एक ही विधानसभा में दो कन्या महाविद्यालय की घोषणा की, एक यहां बनेगा, एक वजीरपुर में बनेगा। इसलिए मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देता हूं कि गंगापुर के ऊपर उनकी बहुत मेहरबानी है। और जब ये सब जब ही संभव होता है, जब कल्याण जी की कृपा है इस शहर पर, कल्याण जी की कृपा है, सरकार की कृपा है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर काम फीका रहे तो मेरे पुलिस के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, SDM साहब बैठे हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा आप सबकी तरफ से, गंगापुर के लोगों की तरफ से, कि मेले में चार चांद लगाने का काम करें, मेले को फीका करने का काम नहीं करें, कोई ना कोई रास्ता निकालें। अभी मेरी जो बात हुई है, मुझे पता है उन्होंने ऐसे ही कोई किसी के कहने से ये स्वीकृतियाँ नहीं रोकी है, उनके पास भी कोई इंफॉर्मेशन है, उनके पास भी कोई बात है, लेकिन वो शंका समाधान हम लोग करेंगे। अभी ये हमारे रथ का कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद में आप और मैं मिल करके उन शंका समाधान को प्रयास करेंगे उनको दूर करने का। और मैं उनको मंच के माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ कि गंगापुर में जो गलती हो गई पहले वो हो गई, अभी भी है कुछ लोग हैं जो 24 घंटे फिराक में रहते हैं कि कैसे आग लगे गंगापुर में। आग लगाने का प्रयास कम नहीं हो रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, वो आपको बाहर जो दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है भाई। कई लोगों के पेट में जो गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ वो हमें पता है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा और कहीं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इस मेले में गड़बड़ नहीं हो सकती है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये मेले की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेले में जिन लोगों के हाथ में कमान है वो बहुत सतर्क है, वो बहुत सावधान है, वो समझते हैं सब चीज को कि कौन आदमी क्या गड़बड़ कर रहा है और किसके क्या दर्द है। वो दर्द जिन लोगों के है और गंगापुर में भट्टी में झोंकने का जो काम करना चाहते हैं, उनकी दाल यहाँ नहीं गल सकती, दूसरी जगह गल सकती है, इस मेले में उनकी दाल नहीं गलेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मेरी भावना को ऊपर तक पहुंचाए और गंगापुर की जनता की भावना को ऊपर तक पहुंचाए और भावना के अनुसार हमको वो चक्री झूले की अनुमति दिलवाए। ये बात आप भी पहुंचाए, मैं भी कलेक्टर साहब से, SP साहब से बात करूंगा। और न केवल चक्री झूले, लेकिन और भी जो कोई भी समस्याएं हैं मेले की, बिजली की है, पानी की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की सुविधा की है, वो सारी सुविधा प्रशासन की तरफ से बिल्कुल अच्छी रहनी चाहिए, दुरुस्त रहनी चाहिए। बच्चा बच्चा इस मेले से जुड़ा हुआ है, बच्चा बच्चा। आप देखेंगे, आप तो नए अधिकारी हैं, आप देखेंगे 15 दिन तक क्या यहाँ पर माहौल रहता है, चारों तरफ से लोग उमड़ करके और कल्याण जी महाराज के दर्शन करते हैं और उसके बाद में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। अब ऐसे प्रोग्राम में सबकी ड्यूटी है, सबका सबकी मंशा है और कोई तरह की कमी नहीं रहे। ये सब चीज़ें मैंने आपके ध्यान में लाने की कोशिश करी है, और फिर भी अगर कोई बात है
तो मैं और आप बैठ करके उसका समाधान करेंगे। इतनी बड़ी बात मैंने आपके आपके जहन में ला दी और मैंने ये बात भी सबकी तरफ से मैंने प्रशासन के अधिकारियों को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अनुमति आपको देनी, अभी फीडबैक आपको कलेक्टर साहब को एसपी साहब को आपको देना। मैं कुछ भी कहूँ और आपने अगर हल्का सा भी उल्टा सीधा अगर माँ कह दिया तो मामला हमारा बिगड़ जाएगा। लेकिन इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये कल्याण जी महाराज का काम है, इसमें उल्टा सीधा मत कहना, सही बात कहना। जो लोगों की भावना है, मेरी भावना है, उसको वहां तक पहुंचाना और इस काम को सलीके से बिठाना। और मैं हमारे हरगोविंद जी कटारिया साहब जो इस मेले के भी संरक्षक है, गुजर समाज 84 के अध्यक्ष हैं, जब उनके हाथ में कमान है, वो भी कटारिया को अभी हमने मेला अध्यक्ष बनाया है और भी संरक्षक मंडल पूरा यहाँ पर बैठा हुआ है। देखो ये संरक्षण मंडल हरगोविंद कटारिया, श्रीमती गीता देवी नरूका दिखी नहीं, आज नहीं आई क्या, बुलाया नहीं, क्या बात हुई है। मयस कटारिया जी, गिरधारी बंसल जी, ये गिरधारी बंसल का भी धन्यवाद दो, बहुत बहुत ताली तो बजा दो, पढ़ दो। गिरधारी बंसल की वजह से ही अपन यहाँ बैठे हैं। बजाजा ट्रस्ट अगर आपको जमीन नहीं दे, ये सामियाना खा लगाते हैं आप। पूरे 15 दिन तक हमको जमीन उपलब्ध कराते हैं और बजाजा ट्रस्ट पूरी सहूलियत देता है और सारी व्यवस्थाएं करते हैं। भाई इन लोगों के सहयोग से ही तो हो रहा है सब काम, तो जो सहयोग करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। बजाजा ट्रस्ट का भी हम पूरे गंगापुर के लोगों की तरफ से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये सब बातें कहने के बाद में हमारे देखो पूरे पार्षद लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरे के पूरे। अभी मैंने देखा जो स्वागत कर रहे थे श्री भवानी सिंह जी, राजभाई बुद्रा, श्रीमती सोनम, श्रीमती सुनीता, श्री अमर सिंह जी, रुक्मणी, श्री बबलू जी, सोनू कोहली जी, श्रीमती मनीषा शर्मा, गायत्री सैनी जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, श्री महबूब, श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता, मोहम्मद इलियास जी, रवि कुमार गोठवाल जी, नीरू यादव जी, श्री रामबाबू शर्मा, वैष्णवी शर्मा, जगदीश खटाना जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्रीमती सबनम बानो, रामपति जी, पदमचंद जी, सुनील विजयवर्गी जी, मुबीना जी, राजेश मावई, सुनीता मीना, विकास कुमार गुजर, रवीना देवी, सुशीला जी, विनोद कुमार गुप्ता जी, गोविंद प्रसाद, शाहिन बानो, असलूप अहमद, नीरज दीक्षित, मोहम्मद इस्माइल जी, आजाद खान, रुखसार बेगम, मंजूर कुरैशी जी, रुखसार बानो, विकेश खंडेलवाल जी, रविकांत मिश्रा जी, साकिर जी, अरविंद मीना, डॉक्टर जुम्मा खान, श्रीमती सुशीला देवी, सीमा वाल्मीकि, संयोजक मंडल हमारा जिसमें धन सिंह मावई साहब, बबलू चौधरी जी, वीरेंद्र जी अग्रवाल, कृष्ण कुमार झाम, ये कहाँ है कृष्ण कुमार झाम, आया क्या आज दिख नहीं रहा क्या कई दिनों से है? उनको देखना चाह रहा था मैं कि है कि यहाँ पे। श्रीमती सीता शर्मा जी, गौरव मंगल जी, मदन मोहन शर्मा जी, शिवारी मीणा जी, सावित्री शर्मा जी, महेश बाबू जी, कमलेश महावर जी, श्री रामकेश सैनी जी, उर्मिला धमोनिया जी, आकिब खान और इरशाद हैं। तो सारे पार्षदों की रुचि पूरा नगर परिषद का सारे पार्षद, सारे कर्मचारी और सब अधिकारी सब मिलकर के
इस गंगापुर के आन बान शान इस मेले को सफल बनाना चाहते हैं। और जब DYSP साहब और खींची जी और ADM साहब, आप सुन लो, जब हम सब लोग 60 के 60 पार्षद और अड़सठ सत्तर पार्षद और सारे गंगापुर के प्रतिष्ठित नागरिक और 84 गांव के अध्यक्ष हरगोविंद कटारिया और गंगापुर का MLA अगर ये कह रहा है कि हम कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं होने देंगे, तो आप समझ लेना कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए मेहरबानी करके और व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। अब क्योंकि बहुत लेट हो गए, 10:30 बज गए, हमारी माता बहनें जो कलश यात्रा में जाएगी उनका भी थोड़ा सा, कई जो है जूते चप्पल खोल करके जाती हैं, तो अब गर्मी का टाइम है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को जो है अपन समाप्त करेंगे। मैं इस अवसर पर तमाम उन साथियों को, उन बंधुओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भगवान कल्याण जी के मेले को आयोजित कराने में कहीं भी किसी भी रूप में कोई प्रयास किया। ये हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है और उस मुद्दे को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और ये मेला शुरुआत हो गई। इस मेले में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था रहे, हरगोविंद कटारिया जी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो सब चीज़ समझते हैं। इसलिए आगे की व्यवस्थाएं आपको देखनी है और सभापति जी को देखनी है। अब सभापति जी और आयुक्त, अभी आयुक्त से मैंने कहा था, मैंने कहा क्यों लेटर लिखा है इतना लेट, कोई जवाब नहीं, बताया नहीं क्यों, क्या बात हुई। अरे यार, कुछ कम से कम जिस पोस्ट पे बैठे हो तो उसका उत्तरदायित्व निभाने की बात होनी चाहिए। आप 4 दिन पहले लेटर लिख रहे हो और मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हो कि साहब मेरे को तो ये कह दिया और वो कह दिया, सब कुछ बातें आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाएंगे। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, दोनों ही बैठे हो, सभापति जी बैठे हैं और कमिश्नर भी बैठा है, एक पैसे की भी अगर फिजूल खर्ची मेरे को दिखाई दी तो फिर आप समझ जाना, मैं नहीं चाहता कि पैसा फिजूल खर्ची में उड़े। हमारी नगर परिषद के पास पैसे ही पैसे की बहुत कमी है। जहां रुपया आपको लगाना है, जहां आप आवश्यक समझो कि जरूरी है और जरूरी होने पे आप अगर रुपये का 1.25 रुपया भी खर्च करते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कहीं जरूरत ही नहीं है 1 रुपये का 4 रुपये। ये सब चीज जनता के हित में होनी चाहिए। पूरे गंगापुर के लोगों की जब आस्था का केंद्र है तो उसमें हम लोगों को पूरी बुद्धिमानी से काम लेना है। और रुपये को जैसे पुलिस का रुपया चलता है ना, 1 रुपया 1.25 रुपये में चलता है पुलिस का 1 रुपया। पुलिस का कोई सिपाही अगर वहां जाएगा उसमें ठेले पे अगर मूंगफली लेने जाएगा, 1 रुपये की तो 1.25 रुपये का माल लेके आएगा। ऐसे ही नगर परिषद का ये पैसा अपना, ये जो काम है अपना, 1 रुपया 1.25 रुपये में चलना चाहिए, 1 रुपया 8 आने में नहीं चले, ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी आप जो करोगे सब मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक महोदय, आपने बहुत शानदार बात कही। हम आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो अंतिम अपनी बात कही थी, सभापति महोदय का भी संबोधन होगा। सभापति महोदय की ओर से धन्यवाद, यहाँ जो आज संबोधन सबका कल्याण जी महाराज की, आज कल्याण जी मेले के शुभारंभ के अवसर पर हमारे विधायक महोदय श्री रामकेश जी मीणा जी, हमारे कल्याण जी महाराज के रथ के सारथी श्री नवतन जी, हमारे आयुक्त महोदय
हमारे एडिस एसपी साहब, एसडीएम साहब जवाहर सिंह जी, एडीएम साहब, हमारे डीवाई एसपी साहब बारवास से पधारे हुए डीवाई एसपी तेज पाठक जी, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, आज कल्याण जी मेले के शुभारंभ पर हमारे शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे हैं, सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं, सभी का और मातृशक्ति का, नगर पार्षद पार्षदगणों का, संयोजक मंडल का, सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि नगर परिषद का काम हमेशा मनोरंजन के क्षेत्र में रहा है। हर साल जो कल्याण जी का मेला भरता है, इसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है, और हमने करीबन डेढ़ महीने पहले ही लेटर दे दिया था, लेकिन कुछ ना कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण ये मेला लेट हुआ है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये कल्याण जी का मेला जो हमारे धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, ये पूरे जोर शोर से भरना चाहिए, और ये कल्याण जी का जो मेला है हमारे धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा होने के साथ साथ में, मैं क्योंकि अग्रवाल समाज से बिलोंग करता हूँ और बनिए का बेटा हूँ, तो जैसा हमारे माननीय विधायक महोदय ने कहा कि हमारा एक रुपया सभा में चलना चाहिए, तो हमारा एक रुपया वैसे भी डेढ़ में चलता है, क्योंकि इस प्रकार से आपने कहा कि मुंबली पे ठेले पर जाकर, क्योंकि पुलिस वाले तो उतना पैसे दे नहीं दे, तो हमको तो पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा हमारा पूरा रुपया एक का सभा में ही चलता है, और पूरा मेला और जोर शोर से भरा हुआ आएगा, और जो भी पेज वर्क के कार्य हैं वो हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं, ग्राउंड की सफाई का कार्य पूरा हो चुका है, सभी मेले में जो हमारे कलाकार आते हैं उनको हमने तय कर लिया है, और मेला अध्यक्ष हमारे अमित भाई ने भी पूरी तरह सपोर्ट करके बहुत अच्छा मेला भरेगा। मैं आप सभी शहरवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा जो मेला है अब पहले से और अच्छा भरेगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय मेरा सभी लोगों से